आज आप लोगों से यही बात करने आया हूं मैं। कबीर का ये दोहा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत स्कूल में पढ़ाया भी जाता रहा है, अपने टीचर्स से भी सुना होगा बार बार कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। भाई देखो, अर्थ सिंपल है, आप लोग सभी जानते भी हैं कि जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। ठीक है, मतलब साफ है, पूरे दोहे का मीनिंग एक ही है कि टालो मत, अपने काम को टालो मत, जो करना है वो करो अभी। इंतजार किस बात का है? क्या सही समय का इंतजार कर रहे हैं? यकीन मानिए, समय सही कभी नहीं आता है। गेट का फॉर्म देखिए आप लोग, बहुत से लोग अभी भी बैठे होंगे, अभी भी उनको इंतजार होगा। देखिए, कल आज आखिरी डेट है, कल वेबसाइट हैंग हो गई थी, फॉर्म नहीं भरा गया, इसलिए डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत से महानुभाव, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि नहीं, लास्ट डेट पे भरेंगे। आदत से मजबूर हो गए हैं, सब कुछ बिल्कुल अंत समय में, लास्ट टाइम में करना है। ये हर चीज को टालने की आदत हो गई है। आखिर कब सुधरने वाले हैं? क्या ठोकर लगेगी उस टाइम? नहीं, ये ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद भी नहीं संभलते हैं हम, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने गेट का फॉर्म मिस किया होगा और अभी भी शायद आप में से कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे। लास्ट डेट 28 तक बढ़ा दिया गया है और अभी भी आप इंतजार कर रहे होंगे कि गेट का फॉर्म भरा जाए, लास्ट डेट को भरूंगा। मिस कर दिया तो फिर 500 एक्स्ट्रा पे कर देना। भाई जिस चीज के लिए आप 1500 रुपए में काम चला सकते हैं, उसके लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? भाई क्यों करना है? तो जल्दी से फॉर्म भरिए। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्म भरना एक सिर्फ एग्जाम्पल है, हमारे पास बहुत से हर काम के लिए एक एक्सक्यूज होता है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। वी आर डाइवर्टेड टू एंटरटेनमेंट, हम कुछ भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट मुझे दिखाई दिया तो मैं एंटरटेनमेंट की तरफ भागता हूं, ना कि मतलब जो मेरा काम है उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा मैं। आप लोग देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में। अभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, कुछ फाइनल ईयर में है, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बीटेक हो जाएगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, प्रिपरेशन शुरू करूंगा गेट के लिए। लेकिन अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए देखो कितना आसान है। देखिए दो स्टेप में, बिल्कुल समझाता हूं मैं थोड़ा सा। सेकंड सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में आपके गिन के तीन सब्जेक्ट होते हैं, एवरी सेमेस्टर हैज थ्री सब्जेक्ट्स विच विल बी आस्क्ड इन गेट, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सिर्फ आपके दो से तीन सब्जेक्ट मैक्सिमम होते हैं हर सेमेस्टर में, और हद हो गई तो ज्यादा से ज्यादा चार हो जाएंगे, यानी आपको 6 महीने मिल रहे हैं चार सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए, और हर 6 महीने में आपको सिर्फ 3 से 4 सब्जेक्ट रेडी करने हैं। और अगर आप सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप फाइनल ईयर तक आते आते क्या कर सकते हैं? अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और जब गेट का एग्जाम आप तुरंत बीटेक के बाद दे सकते हैं, आप तो थर्ड ईयर में दे सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग इंतजार करते हैं कि पहले मैं बीटेक करूंगा, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं 1 साल तैयारी करूंगा ड्रॉप करके, देन आई विल क्लियर द। क्यों भाई, वो 1 साल खराब क्यों करना है? वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल है, जो ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट खराब करते हैं। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती साल होता है वो। जब आपको पता है कि आप 3 साल सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक, 3 साल आपके पास भरपूर मात्रा में तैयारी करने के लिए टाइम है, उसके बाद भी आप उसे 1 साल का इंतजार करते हैं जिसमें आपको ड्रॉप करना है। भाई ये गैप जो आपको मिल रहा है, जो गैप आपका हो रहा है, ये आपका आगे फ्यूचर में जॉब आपको लेनी है तो वहां पर भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? हमारी आदत होती है, कॉलेज में भी हम जब एग्जाम देते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, तब भी हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, तब भी हम लास्ट नाइट का वेट करते हैं। लास्ट नाइट में 12 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको शायद सिलेबस भी नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है।
क्यों इंतजार करते हो इतना? ये आदत छोड़िए, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ड्रॉप करके गेट की तैयारी कर रहे होंगे, अभी उसमें भी कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि अभी भाई अभी तो अभी 4-5 महीने है, क्या दिक्कत है, 2 महीने लास्ट के 2 महीने में करेंगे तैयारी, अभी क्या जरूरत है यार, हद हो जाएगी। मतलब लास्ट के 2 महीने पढ़ के आप गेट निकालना चाहते हो, सिर्फ 2 महीने पढ़ के? इतना आसान नहीं है गेट कि आप कहो कि 2 महीने पढ़ा और मैं 30 मार्का नहीं हो आप कि 2 महीने में गेट पढ़ोगे और निकाल दोगे। टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेडिकेशन देनी पड़ेगी, डेडिकेशन के बिना नहीं हो सकता है। और सिर्फ गेट क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ गेट क्वालिफाई करके आप क्या करोगे? स्पेशली मेंशन है ब्राउचर के अंदर कि आप अगर गेट क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको हम एडमिशन देंगे, आपको जॉब देंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है। कहीं आप कल आके हमसे क्लेम करो कि हमने तो गेट क्वालिफाई कर दिया है सर, हमें जॉब चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्वालिफाई करना काफी नहीं है, अच्छा स्कोर भी लेके आना है, और अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। टाइम आपको देना पड़ेगा, आप कब देना स्टार्ट करते हैं ये आपको डिसाइड करना है। कब शुरू कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे, करना आपको 1 दिन पड़ेगा। अब जॉब है आपकी सारी गेट के थ्रू है, पीएसयूजी की सारी जॉब गेट के थ्रू है, अपना अलग से कोई एग्जाम नहीं लेता है। एक तरीके से आप अगर बीटेक कर दिए हैं, आपके पास डिग्री है, जब तक आपके पास गेट नहीं है तो आपको मीन्स डिग्री नहीं है वैल्यू की, सॉरी डिग्री की वैल्यू नहीं है कोई भी, गेट आपके लिए इतना जरूरी है, आप सीरियसली नहीं लेते हो चीजों को। कॉलेज टाइम में मजाक मस्ती में निकल जाता है टाइम, और फिर जब आप निकलते हो, आपका 1 साल खराब बाहर आने के बाद होता है, फिर आपको समझ में आता है कि ये क्या हो गया, कीमती समय तो हमने निकाल दिया है, वक्त हमने निकाल दिया है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आप कॉलेज के स्टूडेंट हों या आप बीटेक पूरी कर चुके हों, ड्रॉप आउट हैं, आप बाद में तैयारी कर रहे हों, तो वक्त सही है तैयारी करने का। अगर सेकेंड ईयर में है तो आप सब्जेक्ट वाइज लग जाइए, हर सेमेस्टर में एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, नोट्स बनाइए। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 4-4 घंटे, अरे सेकेंड ईयर में आप डेली 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए आपकी दिन का, बस सिर्फ 1 घंटा, और कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए साथ की साथ। नोट्स बनाने का रीजन ये है ताकि आप जब सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर में जाओ तो आपके पास नोट्स आपके बने हुए, आपके हाथों से बने हुए होने चाहिए, फिर आपको किसी से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे नोट्स दो, नोट्स दो। अरे भाई जब आप कर सकते हो इतना तो क्यों नहीं करते हैं? अभी आपके पास टाइम है ये सब करने के लिए, ठीक है, तो इस वक्त का फायदा उठाइए, इस टाइम का फायदा उठाइए, ठीक है, वरना ये वक्त एक बार निकल गया तो फिर आप खुद बोलोगे कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, और उस वक्त आपके पास सिर्फ पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, वो टाइम आपका नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा कैरियर आपको चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन आपको जाना है आगे, अच्छी जॉब चाहिए, या अच्छे IIT से आपको MTech करनी है, तो आप अभी से उसको टारगेट करके चलिए, विदाउट एनी डिले, बिना देर किए शुरू कर दो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों में से 1 या 2 भी स्टूडेंट मेरी बात को समझ के अगर सीरियस हो जाता है, अपना काम तैयारी जो भी है शुरू कर देता है, जो ये टालने की प्रक्रिया है टाइम के स्कोप को, तो वो चीज़ अगर टाल देता है तो मुझे लगेगा कि मेरे ये वीडियो सफल हो गई है। 1 या 2 स्टूडेंट भी अगर ये बात मेरी मान के अपना काम करना शुरू कर देता है तो ठीक है। तो ये सभी लोगों से मेरी सलाह है, एडवाइस भी है, गुजारिश भी कह सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप मानना चाहते हो मैं उसी तरीके से आपको बोल रहा हूँ,
ठीक है, एक टीचर की हैसियत से, एक फ्रेंड की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से, जिस तरीके से आप सोचें उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन कीजिए। ऐसा ना हो वक्त निकलने के बाद फिर ये बातें आपको याद आए, काश उस वक्त कर लिया होता। तो आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात करूंगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं बताने आया था कि गेट का फॉर्म है वो जिन्होंने नहीं भरा है वो टाइम से भर दो, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दो, शायद फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। चलिए आज के लिए गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और फॉर्म भर के जल्दी से लग जाइए अपनी तैयारियों में।